ये हमारी तैयारी है गांव के लिए जाने की, और वो है गुट्टू और गुट्टू की मम्मी, और ये है हमारी गाड़ी, और ये हमको छोड़ने वाली बहिना। ये है देवी मंदिर और ये है देवी माँ का मंदिर। क्या गिराया? और ये कोटद्वार का मेन मार्केट स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे है सबसे पुराना बैंक कोटद्वार का SBI। और ये आगे जो आएगा वो है नजीबाबाद चौक। और ये है सिद्धवली मंदिर का एंट्रेंस। अभी फ्रंट से दिखेगा नहीं मंदिर, बैक से दिखाऊंगी, ठीक है? ये दिख रहा आपको, ये है मंदिर। हमारे गांव की रोड आ रखी है, और अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाएंगे, यहाँ से थोड़ा पैदल चलेंगे, पूरी रोड है पर हमने यहीं पे पार्क कर दी गाड़ी। फिर हमारा गांव का घर आएगा। ये मनोज भैया और का घर है। ये उनका एंट्रेंस है और हमारा पे रस्त यहाँ पे उनकी गाय है। ये जाके ये पहले का पुराना रास्ता है पैदल का, अभी भी पैदल इसी रास्ते जाते हैं, यहाँ से इस रास्ते से पैदल जाते हैं। और ये उमरोली गांव का पल छाल वाला एरिया है, और ये फ्रंट हो गया घर का भैया औरों का। और ये है हमारा घर। अब वो उधर तायोर का ये पुराना घर।
ये पुराना इमली का पेड़ है रमेश चाचा और का। ये यहाँ हमारा पानी है, यहाँ पे यहाँ पानी आता है। और ये रमेश चाचा लोगों का घर है। अभी दिखाती हूँ मैं पूरा व्यू। ये है रमेश चाचा लोगों का घर है। ये यहाँ दादी रहती थी पहले, अब दादी भी नहीं रहती। और पहले दादी मिल ले यहाँ वो घी रखती थी, मैं ऑर्डर रखती थी, फिर मैं स्कूल से आके इसी छज्जे में बैठ के खाती थी। और ये खेत है, यहाँ पे दादी का नींबू का पेड़ था। हाँ ये है पुराना, इसमें बहुत सारे नींबू लगते थे और दादी क्या करती थी, तब बाद में तोड़ के और कुछ गड्ढे में डाल देती थी, क्योंकि गड्ढा करके उसमें दबा दो तो नींबू ख़राब नहीं होते। ये वाला पोर्शन ये दिल्ली वाली ताई का है, कविता ताई का, उनका टूट गया शायद, वो अब नया बनाएंगे। और ये है ये वाला, ये वाला है उनका, बिरजू ताऊ जी और का है, मोनी लोगों का घर ये वाला है। और ये है, ये पर फूफू लोगों का घर है, सिरचंद चाचा, हाँ सिरचंद चाचा और का घर है ये। और दिखाती हूँ यहाँ से, इस वाले आम के पेड़ में हम गर्मियों में आते थे। और यहाँ पे इसके बगल में एक छछरी का पेड़ है, छोटा सा था पहले, अब तो दिख भी नहीं रहा। उस पर बैठ के हम इस पेड़ पे चढ़ते थे। और ये हैं वो क्या बोलते हैं इनको, भूल गई मैं इसका नाम, मम्मी से पूछूंगी, क्या बोलते हैं इनको, चीटी लगी इस पेपर। ये हरे हैं, पके हुए सारे, खाते हैं ना, मीठे होते हैं ये, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मम्मी से पूछ के बताऊंगी क्या बोलते हैं इन्हें। ये सारा बंद पड़ा हुआ है, पहले दादी और का सीमेंट वाला घर नहीं था, पुराना था, फिर वो टूट गया तो तब उन्होंने नया बना दिया। और ताई और का भी पूरा ये वाला पोर्शन था जो ऊपर नीचे था, तो ये भी टूट गया शायद, अब ये यही कमरा बचा हुआ है। ये स्वयंवर भैया लोगों का पोर्शन है जो मैंने बताया था। अब तो यहाँ सब मनोज भैया लोगों की गाय है ये बंधी हुई। और ये बछड़ी, अरे बछड़ी, यहाँ पे पानी की टंकी है। यहाँ पहले पूरे खेत थे, तो एक बार बरसात में अभी कुछ साल पहले ये पूरा बह गया, वो नीचे से ही टूट गया था सारा। और यहाँ पे हाँ, और ये है, यहाँ से छोटा सा घर दिखाती हूँ मैं एक, ये वाला जो घर दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा, ये दिन्नू भैया लोगों का घर है, दिन्नू भैया, पुष्कर भैया, अश्विनी भैया, उनका घर है। अभी फिलहाल सिर्फ उनकी मम्मी है यहाँ पे, हमारी ताई। और ये हमारा इमली का पेड़, ये है दादी का इमली का पेड़, ये हमारा मौसमी का पेड़, कुछ कुछ इसमें पक गए हैं, कुछ कुछ अभी कच्चे हैं, और आज हम इसकी कचमोली खाएंगे। रंगी कट गई।
मौसमी बैठा हूँ, एक मौसमी के चीर फाड़ हो चुका है, मुंह में पानी आ रहा है इस देख के। आई समुद्री का कितना कड़ा बोले लगी हुई।